Hello everyone, my name is Lavish Odia and I am from Udaipur in Rajasthan. My father, he is a shopkeeper. We have a paint business. About my educational background, I did my schooling in Udaipur, later went to Kota for JEE preparation and after that got into IIT Bombay. I have done a BTEC in mechanical engineering and I graduated in 2015. After that, I did 3 years of naukri in the oil and gas sector, mein, Shell Oil and Gas Company. Mein. बैंगलोर में कुछ साल और उसके बाद लगभग 1.5 साल ह्यूस्टन में अमेरिका में और उसके बाद मैं नौकरी छोड़ करके दिल्ली आ गया था प्रिपेयर करने के लिए जून 2018 में और 2019 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में रैंक 18 आई है सिविल सर्विसेज एग्जाम में एंड रैंक 2 थी फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम में. फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हुआ. इसका स्ट्रैटेजी आई वुड से काफी सारा लक भी था. हार्डवर्क मैंने देखा है काफी लोग कर रहे हैं एंड काफी ज्यादा नॉलेजेबल काफी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन लोगों की है तो डेफिनेटली काफी ज्यादा लक है. बट मैंने क्या किया, मैं अपना स्ट्रैटेजी ब्रॉडली शेयर कर सकता हूँ ताकि आप लोगों को शायद फायदा हो जाए. अभी क्योंकि मार्क्स रिलीज नहीं हुए हैं तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या ठीक रहा क्या नहीं रहा बट स्टिल जो मुझे लगता है कि शायद काम कर गया. तो सबसे बड़ी चीज सबसे पहली चीज जो मैंने की वो ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने हुक बना करके अपनी प्रिपरेशन की ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं और कुछ रैंडम चीजें ना पढ़ने लगूं. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर स्टेज पर प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए इवन इंटरव्यू के लिए. इंटरव्यू में मैंने पुरानी ट्रांसक्रिप्ट क्वेश्चंस को काफी अच्छे से यूज किया. कीवर्ड्स को सर्च कर करके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड. अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन को भी काफी हद तक कवर कर लेगी तो क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है हमारी मेमोरी लिमिटेड है 80 साल का टाइम होता है तो हम सोर्सेस बहुत सारे नहीं पढ़ सकते. तो सबसे पहली चीज तो ये कि सोर्सेस लिमिट किए. हर सब्जेक्ट का सिर्फ एक ही सोर्स मैंने कोशिश की रखूँ. फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री की जैसे क्लास 11 की तमिलनाडु की जो बुक है वो फॉलो की. बाकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स लाइक मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए श्रीराम्स इकोनॉमिक्स की जो बुकलेट आती है और करंट अफेयर्स के लिए विजन करंट अफेयर्स. तो ये सब स्टैंडर्ड जो सब लोग फॉलो करते हैं. इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा अलग अलग सोर्सेज पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि टाइम भी नहीं था और रिविजन नहीं हो पाता. फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लेवल ऑफ डेप्थ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिर्फ उन्हीं उन्हीं टॉपिक को पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लिया. और जो बचे टॉपिक्स पे जहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते उनको एटलीस्ट इतना प्रिपेयर किया कि वहां से कोई सिंपल क्वेश्चन आए तो गलत ना हो. ये चीज प्रीलिम्स में भी ठीक काम की और मेंस में भी ठीक काम की. तो कह सकते हैं टॉप डाउन अप्रोच था मेरा कि क्वेश्चन को देखना और उसके बाद उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. एक आई थिंक जो सजेशन रहेगा कि पढ़ाई पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कई बार वीक रह जाता है. जैसे प्रीलिम्स की हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस नहीं करते या फिर मेंस में भी आंसर राइटिंग की इनफ प्रैक्टिस नहीं हो पाती या इंटरव्यू में बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते. तो ये बहुत जरूरी है, इक्वली जरूरी है आई वुड से जितना हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं. तो प्रीलिम्स में पेपर्स प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, स्पेशली जो सरप्राइज वाले क्वेश्चन आते हैं जो हमने पढ़े नहीं है उनको कैसे अप्रोच करना है. अपने गेस्ट वर्क पे एलिमिनेशन पे काम करें क्योंकि आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर है प्रीलिम्स में क्योंकि 2 ही 5 क्वेश्चन का गेम होता है. उसके अलावा मेंस के लिए आंसर कॉपी टॉपर्स की देखना आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहता है. किस तरह से वो लोग आंसर्स लिखते हैं, कैसे उन लोगों को अच्छा स्कोर मिला, उनका सेम कंटेंट जो हम पढ़ रहे हैं जो सबको आता है किस तरह से उसको उन्होंने प्रेजेंट किया कि उनको अच्छे मार्क्स मिले. आई थिंक ये ब्रॉडली ये चीजें मेरे लिए काम की. एंड अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो कुछ टॉपिक जैसे जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के बाद, तो एनवायरनमेंट काफी इंपॉर्टेंट है. शंकर आईएएस मैंने सिर्फ पढ़ी थी और करंट अफेयर्स वर्जन के उससे अराउंड 20-25% प्रीलिम्स में हो जाते हैं और मेंस में भी काफी हेल्पफुल है. पॉलिटी इकोनॉमी मॉडर्न हिस्ट्री ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो ब्रॉडली अगर हम इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लें क्योंकि स्टैटिक भी है सोर्सेज भी स्टैंडर्ड है तो प्रीलिम्स में काफी सारा हेल्प तो यहीं से हो जाता है. और वीक एरियाज को जैसे मैंने बोला कि उनको आइडेंटिफाई करके एटलीस्ट बेसिक प्रिपरेशन करनी है कि उनके सिंपल क्वेश्चन जो लो हैंगिंग फ्रूट से वो गलत ना हो जाए. कुछ टॉपिक्स जैसे जो कभी नहीं पूछे जाते मेंस में जैसे सेकेंड एआरसी हो गया या फिर जैसे कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो वो टॉपिक्स मैंने काइंड ऑफ छोड़ दिए थे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था.
एक कैलकुलेटेड रिस्क था। वर्क इस बार नहीं आए क्वेश्चन, बट आपके पास अगर टाइम हो तो आप थोड़ा थोड़ा एक बार ऊपर से देख लें। एंड उससे भी आई थिंक एक बड़ी चीज जो काफी हेल्पफुल रही मेरी पूरी प्रेपरेशन में, वो था एक अच्छा पीयर ग्रुप। अगर हो सके तो आप एक छोटा सा स्मॉल फोकस ग्रुप बनाएं, 4-5 लोगों का, बहुत ज्यादा नहीं, और सेम फ्रीक्वेंसी के लोग हो, सेम लेवल ऑफ प्रेपरेशन हो, ताकि आपस में डिस्कशन हो सके, आप अपने डाउट्स प्रॉब्लम और इन जनरल मोटिवेशन लेवल मेंटेन कर सके, क्योंकि बहुत जरूरी है। 1-2 साल की प्रेपरेशन है, डेली आपको सेम रूटीन फॉलो करना है, कोई वीकेंड नहीं होता है, कोई फेस्टिवल नहीं होता, तो ऐसे में आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को मोटिवेटेड रख सकते हैं, और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी उससे डेवलप होता है। तो आई थिंक यही कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करें 1-2 साल तक, पूरा प्रोसेस 1 साल का है प्लस 1 साल का प्रेपरेशन, तो आई थिंक ये एग्जाम निकल सकता है। थोड़ा अलग ऑब्वियसली हमको चाहिए होगा। तो आंसर राइटिंग के बारे में अगर बात करें, तो मैंने प्रीलिम्स के पहले ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं की थी, 2-3 बार कोशिश की थी 5-6 आंसर्स लिखने की, बट देन आई रियलाइज कि जब तक मेरी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पूरी नहीं होती, जब तक मेरे को चीजें याद नहीं है, फैक्ट याद नहीं है, मैं आंसर नहीं लिख पा रहा था। तो उसके बाद मैंने वो आइडिया गिव अप कर दिया और मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करने लगा, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से उनको और बार रिवाइज करना, ताकि मुझे कॉन्टेंट और फैक्ट याद हो। और आंसर राइटिंग मैंने फिर प्रीलिम्स के बाद ही शुरू की, लगभग पूरी की पूरी मेरी प्रैक्टिस जो है, इम्प्रूवमेंट जो है, वो 2-3 महीने के दौरान हुआ है। मैंने जो किया वो ये था कि एक तो मैं डेली आंसर राइटिंग करता था, मैंने आयुष बाबा का CLP प्रोग्राम फॉलो किया था, तो वो कंसिस्टेंटली डेली के 5 क्वेश्चन इन अ टाइम्ड मैनर, टाइमर लगा करके, स्टॉपवॉच मोबाइल में या वॉक में लगा करके, एंड मैं नोट करता था कि मैंने कितना टाइम एक्स्ट्रा लिया, कॉन्स्टेंटली कोशिश करता था इम्प्रूव करूँ। उसके बाद ग्रुप में बैठ करके उसको डिस्कस करता था, फ्रेंड से आपको अच्छे अच्छे इनपुट्स मिल जाते हैं, कोई किसी क्वेश्चन में डायग्राम बनाता है, किसी के पास कोई अच्छा कंक्लूजन होता है, कोई अलग पॉइंट्स होते हैं जो आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं, और इससे सबको हेल्प हो जाती है। इसके अलावा मैंने टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस किए, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन एंड एक पूरा पेपर करने में डिस्टेंस है, पूरे पेपर्स भी रेगुलरली मैं करता रहता था। मैंने टोटल अराउंड 15-20 टेस्ट दिए होंगे। एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मैंने की, लास्ट में एक फोरम IAS का सिमुलेटर प्रोग्राम था, इवेल्युएट नहीं होती कॉपी, मेन एग्जाम के 10 दिन पहले वो होता है, वो जाकर के मैंने दिया। उसका इम्पोर्टेंस ये था कि असली मेन एग्जाम में आपको 3 दिन तक लगातार SA, GS 1, 2, 3, 4 देना होता है, एंड वो काफी टायरिंग प्रोसेस है मेंटली फिजिकली, सुबह और शाम आंसर लिख के हाथ दर्द हो जाते हैं। तो वो चीज जब मैंने फोरम के सिमुलेटर में की, तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। जब असली एग्जाम आया, प्रैक्टिस इज द की, बहुत ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, मैंने बेसिक कंटेंट कवर किया, बट उसको अच्छे से पेपर पे लिख सकूं उस पे ज्यादा फोकस किया, कम पढ़ के सेम कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट करना, अच्छे से आंसर्स में लिख पाना, काम कर गया मेरे आंसर्स में। एंड मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था श्रीराम साइए, कोचिंग का आई थिंक बहुत ज्यादा रोल नहीं है, एग्जाम की जो नीड्स है और कोचिंग की जो पढ़ाई है थोड़ी आई थिंक उतनी मैच नहीं होती। कोचिंग का फोकस रहता है पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करना, हर एक चीज को पढ़ाना, एंड एग्जाम में हम सब कुछ अच्छे से नहीं कर सकते। मेरा ज्यादा फोकस वही था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सिलेक्टिवली जो मुझे ठीक लग रहा है मैं उसको ही ढंग से पढ़ूं, और बाकी चीजें बस ऊपर से बेसिक लेवल पे कर ली। तो यहाँ में एक स्किप जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये कि परफेक्शन पे हम लोग फोकस ना करें, आंसर राइटिंग हो या कोई भी टॉपिक जब पढ़ रहे हो, क्योंकि परफेक्शनिज्म हम लोग सुनते हैं, हम लोग के पास लिमिटेड टाइम है, और एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस करना आई थिंक टाइम का वेस्ट है। हीरो का एक हेलीकॉप्टर व्यू या एक बर्ड आई व्यू जो बोलते हैं, बिगर परस्पेक्टिव लेके चलें और हर टॉपिक को एवरेज कर लें। हम सब लोगों के कुछ स्ट्रेंथ ऑलरेडी होते हैं, किसी ना किसी टॉपिक में हम सब अच्छे होते हैं, जैसे मेरा इकोनॉमिक्स काफी ठीक था, बट कुछ वीक एरियाज होते हैं, जैसे मेरा हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर काफी वीक था। तो उसमें मैंने कोशिश की कि एटलीस्ट मैं बेसिक क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन सबको आते हैं वो अटेम्प्ट कर पाऊँ, वो गलत ना करूँ। इसके अलावा जैसे जो रैंडम क्वेश्चन फिल्म्स में हम देखते हैं आ जाते हैं कहीं से भी, उन क्वेश्चन को लेकर ना मैं वरीज था ना मैंने ज्यादा फाइट मारी, क्योंकि वो क्वेश्चन आई थिंक किसी से नहीं होते, और उसके लिए जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है आई थिंक वो इट्स नॉट फेवरेबल, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। देयर इज नो शेम, कोई शर्म की बात नहीं है कि हमको नहीं आते। हमारे पास प्रीलिम्स में टारगेट होता है अराउंड 120 मार्क्स का, एक डिसेंट मार्जिन होता है उसमें, तो हमारे पास स्कोप है कि हम 20-30% छोड़ दें या गलत कर दें, उसको हम अगर लेकर के चलेंगे तो हमारी प्रेपरेशन आई थिंक टोटल स्कोर को मैक्सिमाइज करने की रहेगी, ना कि हर क्वेश्चन को अच्छे से परफेक्ट लिखने की रहेगी। वो मेंस के लिए भी ट्रू है, प्रीलिम्स के लिए भी ट्रू है।
एथिक्स के लिए अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट था। एथिक्स में मैंने प्रीवियस ईयर टॉपर्स की कॉपीज को देख करके ज्यादा प्रैक्टिस की, उनके आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर को देखा, उनके एग्जांपल्स को डायरेक्टली यूज किया, जो कोट्स वो लोग लिखते थे डायरेक्टली यूज किया। एथिक्स का सिलेबस जो ऑन पेपर है वो काफी वास्ट है, काफी सारा थियोरेटिकल पार्ट भी है उसके अंदर, जो कि हम अगर पढ़ने बैठे तो शायद काफी टाइम ले लेगा और उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। क्वेश्चंस काफी ज्यादा अप्लाइड नेचर के आते हैं, जो कि इवन हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आंसर कर सकते हैं। तो उसमें मेरा मेन फोकस आंसर राइटिंग पर ही था। मैंने बेसिक बेसिक चीजों की नोट्स बना लिए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके अगेन, जैसे कुछ वैल्यूज की डेफिनेशन और उनके एग्जांपल, कुछ बेसिक बेसिक चीजें जैसे डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एथिक्स, और ये जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उनको देख करके छोटे छोटे नोट्स बनाए थे। पर ज्यादा फोकस आंसर राइटिंग पे किया, केस स्टडी के लिए भी सेम चीज मैंने की। जी मेरे ख्याल से इस एग्जाम में कोचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है भी नहीं, एंड आजकल जितने ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मोर देन एक्सेस हैं, शायद अब तो फिल्टर करना पड़ता है कि क्या देखे क्या ना देखे। तो मैंने खुद भी काफी ज्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज किए, जियोग्राफी में जैसे राजकनल सोलंकी मैडम के नुनाल के लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल, वो देखे। नुनाल के ही इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स मैंने काफी ज्यादा देखे और काफी अच्छे हैं। और उसके अलावा कुछ टॉपिक्स जो मुझे नहीं समझ आते थे कई बार पढ़ करके, उनके मैं शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर गूगल करके ऐसे ही देख लेता था, तो काफी ईजी हो जाता है प्रेपरेशन, क्योंकि वो चीज आपको तुरंत 3 या 4 मिनट में समझ आ जाती है, राधर देन आप पेजेस पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, उसमें खो ना जाएं, रिसोर्सेज लिमिटेड रखें, तो घर पे आप अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। इंटरव्यू की प्रेपरेशन मेरे ख्याल से हम 3 चीजों में तोड़ सकते हैं। पहला प्रेपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स, जो कि हम न्यूज़पेपर से के अलावा राज्यसभा टीवी के जो शोज होते हैं वो काफी हेल्पफुल रहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन काफी अच्छा रहता है, वो मैं रेगुलरली पढ़ता था। तो करंट अफेयर्स के मैं शॉर्ट नोट बना लेता था हर बड़े इशू के, ताकि लास्ट में रिवाइज की जा सके। इसके अलावा सेकंड जो पार्ट है वो है डैफ, जो कि आपके अपने बारे में है। उसके आंसर्स हमको डायरेक्टली नहीं मिल पाते गूगल करके या फिर किसी से पूछ करके, उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है, लोगों से डिस्कशन करना पड़ता है। जैसे छोटी से छोटी चीज, जैसे आपके नाम का मतलब हो गया, आपने अपने पिछले जॉब में क्या चैलेंजेस फेस किए, इनका आंसर शायद हमारे अंदर से निकल के आता है। तो इनके बारे में बस रेगुलरली सोचते रहिए, आपको आंसर मिलते जाएंगे। लोगों से डिस्कस करना भी ठीक रहता है, जैसे आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, वो शायद आपसे अच्छी तरह से ज्यादा लोग जानते हैं आपके बारे में। एंड थर्ड पार्ट है बोलने की प्रैक्टिस करना, एक कॉन्फिडेंट वे में जो व्यूज हैं, जो आप जो कहना चाहते हैं वो सेकंड पर्सन को या किसी और को कन्वे कर पाना एक फ्लूइड तरीके से। इसके लिए आई थिंक प्रैक्टिस जरूरी है। मॉक इंटरव्यूज काफी हेल्पफुल रहते हैं, अपनी खुद की आवाज रिकॉर्ड करना। उससे भी अच्छा अगर कोई पीयर ग्रुप हो जहाँ पे लोग डिस्कस करके एक दूसरे को फीडबैक दे सके, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ करके। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली मैंने बात बोली थी कि मैं जो यूज करता हूँ, इसमें भी मैंने एक्सटेंसिवली किया। कंपाइलेशन अवेलेबल है प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट के, तो उसमें मैं कीवर्ड सर्च कर लेता था अपने डैश के, फॉर एग्जांपल होम टाउन, फॉर एग्जांपल आपकी हॉबी, एंड उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरव्यूज में, वो मैं देख करके एटलीस्ट उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेता था। कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने देखा हर साल सेम ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फुटबॉल अगर हॉबी है आपकी, तो ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि वाई इज फुटबॉल नॉट पॉपुलर इन इंडिया, वाई इज इट पॉपुलर इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। एटलीस्ट ये आपने सोचे होंगे, प्रिपेयर किए होंगे, तो इंटरव्यू में आई थिंक काफी ईजी हो जाता है एटलीस्ट कुछ आंसर क्वेश्चन आंसर करना। मेरा इंटरव्यू ऑल्दो मुझे बहुत अच्छी फील नहीं आई थी इंटरव्यू के बाद, क्योंकि मैं काफी क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया, फैक्चुअल नेचर के थे। तो एचआर क्वेश्चन थे और एक केस स्टडी थी, केस स्टडी जो कि रियल लाइफ सिचुएशन की थी, आधार कार्ड अथॉरिटी से रिलेटेड के ऊपर बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया था। तो वो मुझसे पूछा गया था 2010 की सिचुएशन देकर के, एंड उसको मैंने काफी अच्छे से हैंडल किया। उसमें मैं अपनी वैल्यूज दिखा पाया था कि आई एम अ टीम वर्कर, मैं लीडरशिप क्वालिटीज दिखा पाया, अपनी इंटीग्रिटी दिखा पाया। अभी तक मार्क्स नहीं आए तो मुझे नहीं पता कैसा स्कोर रहा, आई थिंक एवरेज या उससे ऊपर मिला होगा। हाँ, कंक्लूडिंग रिमार्क इतना ही बोलूंगा कि अभी सिचुएशन काफी अनसर्टेन है, नहीं पता एग्जाम अक्टूबर में भी होगा या नहीं होगा या और लेट होगा। ऐसे में मेरे और भी फ्रेंड्स हैं और कुछ एस्पिरेंट्स, मेरी बात होती है तो काफी एंग्जियस हैं लोग, काफी फ्रस्ट्रेटेड भी हैं कुछ लोग। ऑल आई वुड से इस टाइम पे बस सस्टेन करिए, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िएगा,
व्हील को रोल करने दीजिए धीरे धीरे, एंड जैसे ही सही टाइम आए आप अपनी पूरी एनर्जी लगा करके ठीक करिएगा, ताकि एग्जाम के दिन आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आए। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, हर कोई सेम सिचुएशन में है, सभी लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, डरे हुए हैं। अल्टीमेटली एग्जाम एक रिलेटिव एग्जाम है, आप ऐसा नहीं है कि पीछे हो जा रहे हैं, सब सभी ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं। और इस एग्जाम को बहुत सीरियसली ना लें, अल्टीमेटली ये बस एक एग्जाम है जिससे एक नौकरी मिलती है, एंड सिविल सर्विसेज इज जस्ट अ जॉब, इट्स अ गुड जॉब बट इट्स जस्ट अनदर जॉब। मिल जाए तो काफी अच्छा है, बट ना मिले तो आई थिंक जिंदगी में बहुत ऑप्शन हैं और बहुत अच्छा काम करने के, लोगों ने किया है, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो बस उसे एक एग्जाम की तरह, एक चैलेंज की तरह लीजिए और अपना 100% दीजिए, बाकी जो होगा अच्छा ही होगा।